श्री गणेशाय नमः। भाद्रपद कृष्णा अजा एकादशी व्रत कथा। भाद्रपद कृष्णा अजा एकादशी व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, यह मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह सब पापों को दूर करने वाली एकादशी अजा नाम से विख्यात है। हर्षिकेश भगवान का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसके पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, प्राचीन समय में सब पृथ्वी का स्वामी चक्रवर्ती हरिश्चंद्र नाम का सत्यवादी राजा था। वह किसी कर्म के वश राज्य से भ्रष्ट हो गया। उसने अपने स्त्री पुत्र और अपने शरीर को भी बेच दिया। हे राजेंद्र, वह धर्मात्मा राजा चांडाल के यहाँ नौकर हो गया, परंतु उसने सत्य नहीं छोड़ा। स्वामी की आज्ञा से वह कर के रूप में मुर्दे का वस्त्र लेने लगा। वह राजा सत्य से नहीं हटा। इस तरह से राजा को बहुत से वर्ष बीत गए। एक दिन गौतम नामक मुनीश्वर आए। ब्रह्मा ने परोपकार करने के लिए ही ब्राह्मण को रचा है। मुनीश्वर को देखकर राजा ने उनको प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा गौतम के सामने खड़ा हो गया और अपने दुख का वृतांत सुनाया। राजा के वचन सुनकर गौतम को विस्मय हुआ। मुनीश्वर ने राजा के लिए इस व्रत का उपदेश दिया। हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में पुण्य देने वाली सुंदर अजा नाम की एकादशी आ गई, उसका तुम व्रत करो, इससे पाप नष्ट हो जाएगा। उपवास करके रात में जागरण करके इस प्रकार उसका व्रत करने से सब पाप दूर हो जाएगा। हे नरपोत्तम, इस तरह राजा से कहकर मुनीश्वर अंतर ध्यान हो गए। मुनीश्वर का वचन सुनकर राजा ने उत्तम व्रत किया। उस व्रत के करने से राजा का पाप क्षण भर में नष्ट हो गया। हे राजन, एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य किया। सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों समेत राजा स्वर्ग को गया। हे राजन, इस प्रकार के व्रत को जो मनुष्य करते हैं वे निश्चय ही सब पापों से छूटकर स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इसके पाठ करने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार भाद्रपद कृष्णा अजा एकादशी व्रत कथा पूरी हुई। बोलो अजा एकादशी माता की जय। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधे कृष्ण भगवान की।